हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू। हम इसे कम घी और बिना बूरा या तगार के बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही इजी होगा। आप इसे कम टाइम में ही बिना किसी झंझट और बिना किसी मेहनत के इजीली घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए लड्डू हमारे कितने अच्छे और परफेक्ट बने हैं। और इस लड्डू को हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाया है, जो बना करके आप घर में कम टाइम में महीने भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखिए लड्डू हमारे अंदर से भी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने मोटा और दानेदार बेसन लिया है। आप इसकी जगह बारीक वाले बेसन का भी यूज कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को इस तरह चलाते हुए भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। बेसन को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह चलाते हुए भून लेंगे, जब तक बेसन हमारे खुशबूदार और इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। हम इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे। और ये देखिए बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हम इसमें 4 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमा हुआ घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह मेल्टेड घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर बेसन में मिलाते हुए हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह भून लेंगे। बेसन भूनते समय बेसन में जो लम्स आए हैं, हम उसे इस तरह स्पैचुला से तोड़ लेंगे और घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए बेसन को हम मीडियम फ्लेम पे ही कंटिन्यू भूनेंगे। बेसन को घी के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और ये देखिए बेसन सारा घी ऑब्जर्व कर लिया है। और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच और घी डालेंगे। जमा हुआ घी जब आप मेल्ट करेंगे तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ मैं कम घी डाल करके ज़्यादा क्वांटिटी बता रही हूँ। घी डालकर बेसन में हम एक बार फिर से मिलाते हुए इसे अच्छी तरह चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए बेसन को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। बेसन अच्छी तरह भून गया है और ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल दानेदार बना है। मैंने इसे भूनते हुए बीच बीच में इसके सारे लम्स को तोड़ लिया है और आप देख सकते हैं बेसन हमारे बिल्कुल ही अच्छी तरह भून गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल ही हलवाई जैसा दानेदार बन गया है। अगर आप लड्डू बनाने के लिए बारीक वाले बेसन का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच बारीक वाला सूजी भून करके डालें, इससे आपका लड्डू दानेदार बनेगा। या इसकी जगह आप 2 से 3 बार पानी के छींटे डाल करके भी बेसन को अच्छी तरह भून लें, इससे भी आपका लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेगा। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे भून लिया। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डाल करके हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और यहाँ मैंने जिस कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया था, उसी कटोरी से यहाँ मैंने 1/2 कटोरी चीनी ली हूँ। चीनी जार में डालेंगे और जार का ढक्कन लगा करके हम इसे महीन या बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने चीनी को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और हमारा बेसन भी ठंडा हो गया है। और अब मैं चलिए आपको इसे हाथ से छू के दिखाती हूँ। और ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट दानेदार बना है। और अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ चीनी डालेंगे। चीनी आप बेसन को ठंडा होने पर ही डालें, नहीं तो चीनी हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसन में हम चीनी को अच्छी तरह स्पैचुला से मिला लेंगे और चलिए अब हम इसे हाथ से मिला लेते हैं। चीनी या मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन में चीनी को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मसलते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने बेसन में चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं लड्डू बनाने के लिए बेसन और चीनी का मिक्स हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आपका भुना हुआ बेसन ड्राई लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मेल्टेड घी और डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले और इसका लड्डू बनाए, इजीली लड्डू बनेगा। लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन का मिक्सचर लिया है और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह गोल कर लेंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। और ये देखिए लड्डू हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्सचर और हाथों पे लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए गोल घुमाते हुए लड्डू का शेप देंगे
और ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी इजीली बनके तैयार हो गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से यहाँ मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से दिवाली में कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट से बिल्कुल बाजार जैसा लड्डू घर पे इजीली बना सकते हैं और ये मुँह में घुल जाने वाला है। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके मेहमान भी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस दिवाली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस या फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए लड्डू हमारा बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा बन के तैयार हो गया है। और अब हम इस पर कटे हुए पिस्ता डालेंगे। आप इसकी जगह काजू या आलमंड का भी यूज़ कर सकते हैं।